हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का केमिस्ट्री का पेपर, जिसका जो टॉपिक है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट हुआ है वो 2 आवर्स का हुआ है और जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो 75 मार्क्स होंगे। तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों को केमिस्ट्री के अलावा भी फिजिक्स, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर देखना है वो जाके मेरे चैनल चेक कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेक द चैनल। अब इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच सेक्शन। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच इज कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 3 out of 5 sub-question। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 marks। वर्ड लिमिट इज 50 words पर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो होता है सेक्शन ए। तो जो सेक्शन ए होता है उसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? हमारे टोटल 5 questions होते हैं। 5 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 questions अटेम्प्ट करने होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो होता है वो हमारे 3 marks कंटेन करता है, तो हमारा जो सेक्शन ए होता है वो 9 marks का होता है। अब इसमें आपको हर आंसर में लगभग 50 words तो लिख ही देने हैं। तो सबसे पहला आंसर है वो है डिस्कस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंथेटिक रबर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजोडाइज। अब फ्रेंड्स, हमारा जो आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 4 out of 7 sub-question। ईच क्वेश्चन कैरीज 9 marks। आंसर शुड नॉट एक्सीड 225 words। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन बी है वो हमारा टोटल 7 questions कंटेन करता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 questions अटेम्प्ट करने हैं। अब एक क्वेश्चन जो होता है वो 9 marks का होता है, तो 36 marks का हमारा ये सेक्शन बी है। फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन पेपर का PDF है, अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो पूरा PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 2 of the following। कीलियन फिशर सिंथेसिस और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीनेसिस। प्रोटीन्स होना चाहिए, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। न्यूक्लियोटाइड्स। तो फ्रेंड्स, ये 3 questions है जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 questions अटेम्प्ट करने हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा आता है क्वेश्चन नंबर बी। डिस्कस द ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। डिफाइन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। गिव 2 examples ऑफ एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। गिव द सिंथेसिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड द एलिजारिन डाइस। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल। डिस्कस वेरियस सिमेट्री एलिमेंट ऑफ अ क्रिस्टल। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2 of the following। सिलिकॉन्स, प्रेविस लैटिस, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो फ्रेंड्स, इसमें से 3 हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड। डिस्क्राइब द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। इसका PDF आप जाके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप PDF जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 out of the 4 sub-question। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 marks। राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 words। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल आपके 4 questions हैं। 4 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 questions अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 15 marks का है, तो लगभग 30 marks का सेक्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है? व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लगभग दोनों लैंग्वेज में होता है, और अगर आप हिंदी मीडियम से आप आंसर हिंदी में अटेम्प्ट करिए, और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप आंसर को इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। व्हाट आर नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिकुलर मास। डिस्कस एनी वन मैथड ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स। कैलकुलेट वेट एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद मॉलिक्यूल्स मास 10,000 and 20,000। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन 3 of the following। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 4 choices है जिसमें से आपको सिर्फ एक, मतलब 3 questions अटेम्प्ट करने हैं, एक छोड़ देना है। सल्फोनामाइड्स, नाइलोन 6.6, फॉस्फाजीन्स, ब्रेक्स इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें से सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर BSc सेकेंड सेमेस्टर 2023 का केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स, जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, कमेंट करना, कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।